हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए तो आज के वीडियो में हम देखते हैं, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो दिन के ऊपर है। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आज कौन सा दिन है, वो कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे पूछें और इनका आंसर कैसे दें। तो सबसे पहला है, आज कौन सा दिन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्हाट्स द डे टुडे। व्हाट्स द डे टुडे, इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट डे इज इट, व्हाट डे इज इट। अगर इसी का आपको आंसर देना है, किसी और ने आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट्स द डे टुडे, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। अगर मंडे है तो मंडे कहिए, और बाकी जो डेज के नेम है वो आपको आते होंगे, और नहीं आते होंगे तो चलिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बार बता देती हूँ। इसका दूसरा तरीका है, इट्स मंडे टुडे, इट्स मंडे टुडे। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा है, अगर आपको ये पूछना है वो कौन सा दिन था, ये पास्ट में है, वो कौन सा दिन था, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट डे वॉज दैट, व्हाट डे वॉज दैट। अब इसका आंसर अगर आपको देना हो तो आप कैसे देंगे, इट वॉज मंडे, इट वॉज मंडे। और इसका दूसरा तरीका है, इट वॉज मंडे डैट डे, इट वॉज मंडे डैट डे। ये हो गया। अगर आपको आगे का पूछना हो, फ्यूचर का पूछना हो कि उस दिन कौन सा दिन होगा, कई बार होता है ना, हम कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर लेते हैं या पिकनिक का कर लेते हैं, तो हम लोग पूछते हैं उस दिन कौन सा दिन होगा, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट डे विल बी इट, व्हाट डे विल बी इट। तो हम क्या कहेंगे, उस दिन कौन सा दिन होगा, व्हाट डे विल बी इट। इसका आंसर हम कैसे देंगे, डैट डे विल बी सैटरडे या मंडे या जो भी दिन हो, डैट डे विल बी मंडे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पूछना है दिन के बारे में और कैसे हमें बताना है। तो चलिए मैं एक बार आपको फटाफट से दिन के नाम बता देती हूँ इंग्लिश में, और हिंदी में भी बता देती हूँ, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ही हो जाए। सबसे पहले सोमवार को हम कहते हैं मंडे। तो हमारी जो यहाँ की जो इंग्लिश है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, अमेरिकन में तो मंडे ही, डे ही इस ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मंडे। मंगलवार को हम क्या कहते हैं, ट्यूसडे। मंगलवार, ट्यूसडे। बुधवार, इसमें थोड़ा सा कई लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, लोग कहते हैं वेडनेसडे, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वेडनेसडे नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे, वेंसडे। बृहस्पतिवार या गुरुवार को हम क्या कहेंगे, थर्सडे, थर्सडे। शुक्रवार को हम क्या कहेंगे, फ्राइडे, फ्राइडे। शनिवार को हम क्या कहेंगे, सैटरडे, सैटरडे। रविवार को हम क्या कहेंगे, संडे, संडे। तो ये हो गए सारे दिनों के नाम, और बाकी का जो वीडियो है आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और सिंपल सिंपल इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि सिंपल से ही जब आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।